रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हर दिन 10 से 15 केस कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में एक बार फिर से दहशत बन गई है। वहीं कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी दिख रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोग सजग नहीं दिख रहे। यही कारण है कि जिले में वर्तमान में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने भी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसके लिए सभी को सतर्कता एवं सावधानी बरतनी नितांत आवश्यक है। बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग में हर दिन केस आ रहे हैं। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना के 150 एक्टिव केस हैं, जिनमें 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं तो अन्य होम आइसोलेशन में। कोरोना की चपेट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी के शुक्ला के साथ ही अन्य अधिकारी भी आ चुके हैं, जिस वजह से वो घरों में कैद हैं। हर दिन जिले में 10 से 15 केस आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते केसों के कारण लोगों में एक बार फिर से भय बना हुआ है। बीपी, शुगर, बॉडी पेन, तेज बुखार, खांसी सहित अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों में कोरोना संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिले के सीएमओ के साथ ही 2 अन्य डॉक्टर 4 दिनों से कोरोना संक्रमण के चलते घरों में होम आइसोलेट हैं। कोरोना के केस बढ़ने के बाद जिला प्रशासन भी सजग हो गया है। जिले की सीमाओं पर सैंपलिंग की जा रही है और जिस मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उन्हें चेकअप के लिए बुलाने के बाद होम आइसोलेशन की सलाह देने सहित गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर रखी जा रही है, ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोविड को लेकर जगह जगह लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू हो गया है। बताया कि लोगों के सैंपल लेने के बाद RT-PCR के लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भेजी जा रही है और जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उनकी रिपोर्ट फिर से दूर मेडिकल कॉलेज भेजी जा रही है, जिससे पता लग सके कि उक्त व्यक्ति को कहीं नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तो नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए अपनी व अपने की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज एवं मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है तथा सभी के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण को आम जनमानस में फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 संक्रमण की गाइडलाइन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव गतिविधियां संचालित की जाएं। उन्होंने सभी से आपदा प्रबंधन अधिनियम की गाइडलाइन का भी अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। समस्त जनपद वासियों से अपील करता हूं कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण का नया वायरस, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसके लिए सभी को सतर्कता एवं सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए अपनी एवं अपनों की सुरक्षा के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन तथा मास्क का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सभी के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण को आम जनमानस में फैलने से रोका जा सकता है। इसी के साथ मेरा सभी राजनीतिक दलों से भी ये अनुरोध है और अपेक्षा है कि वर्तमान में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के प्रचार एवं प्रसार हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 संक्रमण की गाइडलाइन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई करें और SDMA के द्वारा जारी डिजास्टर विभाग की गाइडलाइंस का भी पालन सुनिश्चित करें। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर।